अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मरला हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। लोकेशन है बहरिया टाउन, फेज़ रावलपिंडी। व्यूवर्स, इस घर की खास बात यह है कि इसमें डबल कैटेगरी है। एक तो ये बॉलीवुड हाउस है और एक ये कॉर्नर हाउस है, मतलब डबल कैटेगरी हाउस है। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है और जो इसमें जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, वुडन वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि डिटेल्स, डिमांड और लोकेशन के बारे में तमाम तर तफसीलात आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड इस सब के अलावा, अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे। आपने अपना हाउस का इंटीरियर डिज़ाइन किस तरह का करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं, अब विज़िट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का फ्रंट एलिवेशन है। ये ब्रांड न्यू 10 मरला हाउस है, डबल कैटेगरी है। इट मींस कि ये बॉलीवुड हाउस है और एक कॉर्नर हाउस भी है। डबल गेट विद डबल कारपोर्ट्स है, डबल टेरेस है, रॉयल डिज़ाइन हाउस है। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की गई है। कम्प्लीटली हम इस घर का विज़िट करेंगे। अगर आपको ये घर पसंद आता है तो उसकी प्रॉपर्टी आई डी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन की होगी। काइंडली अगर आपने इस घर की जो भी इन्फॉर्मेशन ली होगी तो लेनी होगी तो पहले आपने मुझे प्रॉपर्टी आई डी लाजमी मैंशन करनी है। अब मैं आपको जो इसका कॉर्नर व्यू है, स्ट्रीट का व्यू, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, इसका कॉर्नर का व्यू है, डबल गेट है, डबल कारपोर्ट्स है। अब ये मूव करते हैं घर के अंदर और आपके साथ में सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये इस घर का गेट का डिज़ाइन है, सिंपल एंड यूनिक किस्म का गेट का डिज़ाइन है। ये कार रैंप है और इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है एंड गैस का मीटर भी इंस्टॉल्ड है। इसमें गैस भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं कि मीटर इंस्टॉल्ड है और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन की गई है। लोकेलिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको पूरा व्यू छत से दिखाऊंगा। मूव करते हैं अब हम घर के अंदर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आ गया इसका एक कार पोर्च, ज़बरदस्त एंड आउटस्टैंडिंग किस्म का कार पोर्च है ये। यहाँ पे आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम पार्क की जा सकती हैं। ग्राउंड पे आप टाइल वर्क देख लें, काफ़ी अच्छा टाइल वर्क किया गया है। एंड अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है, वो आप देख सकते हैं। एंड कार पोर्च को आप प्रॉपरली एक दूसरे एंगल से व्यू कर लें, ये आप देख सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें फिटिंग्स बहुत अच्छी लगाई गई हैं, इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, सामने एंट्रेंस है, ये इसका टाइल वर्क आप देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरान पाक की आयत मेंशन की गई है और सामने आप देख सकते हैं वेंटिलेशन विंडो रखी गई है ड्राॅइंग रूम की। एंड ये इसका एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वुड वर्क देख लें, काफ़ी अच्छा वुड वर्क है। एंड ये आप स्टेप्स व्यू कर लें। मूव करते हैं हम घर के अंदर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये छोटा सा एक लॉबी एरिया है एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये एक ड्राइंग रूम है एंड राइट साइड पे हमारे पास है फर्स्ट बेडरूम। पहले हम ड्राइंग रूम विज़िट करते हैं। ये आ गया इसका ड्राइंग रूम, सिंपल ड्राइंग रूम है, एक नॉर्मल साइज़ का ड्राइंग रूम रखा गया है। वॉलपेपर यूज़ किया गया है, बाकी दीवार पे सिंपल वाइट कलर का पेंट इस्तेमाल किया गया है। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, सीलिंग फैन के साथ, ग्राउंड पर टाइल वर्क देख लें एंड इस साइड पर आप वेंटिलेशन विंडो देख चुके हैं। और अगर मैं आपको इस लॉबी एरिया के दिखाऊँ, लुक करवाऊँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टाइल वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है। सामने हमारे पास है फर्स्ट बेडरूम। सो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में। स्पेशियस बेडरूम है, यहाँ पर भी सिंपल रखा गया है, इसको वाइट कलर का पेंट यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो विथ सेफ्टी ग्रिल्स, ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें। एंड अगर आप इस एंड पे देखते हैं तो यहाँ पे एक डिसेंट किस्म का वाल पेपर भी लगाया गया है, ये आप देख लें, प्रॉपरली व्यू कर लें। सामने हमारे पास है इसका ड्रेसिंग एरिया, इसकी वार्डरोब्स भी अवेलेबल हैं, ये आप देख लें, ऊपर सीलिंग तक अटैच की गई है। एंड बिल्कुल इसके राइट साइड पर इसका ये वॉशरूम, वाइट कलर की कॉम्बिनेशन रखी गई है, टाइल वर्क बहुत अच्छा किया गया है। एंड यू कैन सी के शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो भी लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सामने आप देख सकते हैं वॉलपेपर काफ़ी अच्छा लगाया गया है वॉल पे। एंड ये है इसका मेन टीवी लाउंज की एक्सेस है, डोर आप देख लें, डोर की हाइट्स देख लें। और अब हम आ चुके हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट टीवी लाउंज में। स्पेशियस टीवी लाउंज आप देख सकते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है। और अगर आपको मैं दूसरे एंगल से व्यू करवाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास है एलईडी पॉइंट, साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, वॉलपेपर बहुत अच्छा लगाया गया है। एंड ये इसका यूनिक सीलिंग डिज़ाइन विद सीलिंग फैन, डबल सीलिंग फैन है, सामने वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ, ये इसका टाइल वर्क है। और अगर आपको मैं क्लोजली दिखा दूँ तो ये इसका एक प्रॉपर व्यू बनता है, आप दूसरे एंगल से प्रॉपरली तसली से व्यू कर लें। एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ही होता है कि हाउस प्लान के बारे में डिटेल्स आपको अच्छे से ठीक से समझ में आ जाए। किचन दोनों इसके ओपन है। मूव करते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ।
सो व्यूअर्स, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम, स्पेशियस एंड मास्टर साइज बेडरूम है। इसको भी बिल्कुल सिंपल रखा गया है, इसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, वॉल्स को बिल्कुल सिंपल रखा गया है, वाइट कलर का पेंट यूज़ किया गया है। एंड ये इसके सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, टाइल वर्क भी है देख लें आप। एंड यहाँ पे हमारे पास हैं इसकी वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, और वेंटिलेशन विंडो रखी गई है सेफ्टी ग्रिल के साथ। एंड ये है स्विज का वॉशरूम, यहाँ पे भी वाइट कलर की कॉम्बिनेशन यूज़ की गई है, और शॉवर एरिया जो है वो बिल्कुल आपका सेपरेट रखा गया है, टाइल वर्क ऊपर सीलिंग तक अटैच किया गया है, वेंटिलेशन पर्पज के लिए भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं, और अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से प्रॉपर एक व्यू दिखा देता हूँ, ये आप प्रॉपरली इसको व्यू कर लें। सो वेयर जो ही हम ये सेकेंड बेडरूम एग्जिट करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है फर्स्ट किचन। ये आप देख लेते हैं कि एक फर्स्ट किचन है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है और एसेसरीज बहुत अच्छी लगाई गई हैं, और इसकी घर की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले इसका सीलिंग का डिज़ाइन देख लें, सामने वेंटिलेशन विंडो भी है सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ एसेसरीज़ हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, इंस्टॉल्ड हैं, और ये भी आप देख सकते हैं कि रैक लगाया गया है यहाँ पे प्रॉपरली, और जो कलर की सिलेक्शन है कैबिनेट्स की वो काफ़ी अच्छी की गई है। स्टोव भी अवेलेबल है, हुड भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक सर्विंग पॉइंट रखा गया है इनकी तरफ से, ब्लैक कलर का स्लैब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये हमारे पास बैक की एक्सेस है, यहाँ पर आप टाइल वर्क देख लें, यहाँ का टाइल वर्क और यहाँ का टाइल वर्क इसमें डिफरेंस है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास गीज़र अवेलेबल है, एंड ये जो एक्सेस है ये स्टेप्स आप यू कर लें, सेकेंड कार पोर्च में वहाँ आ चुके हैं हम, उसका एक प्रॉपर अलग से गेट लगाया गया है, मैं आपको प्रॉपरली वहाँ से विज़िट करवा दूँगा। सो अब आप सब किचन को एक दूसरे एंगल से प्रॉपरली व्यू कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको किचन के एंगल से प्रॉपर एक व्यू दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। यहाँ हमारे पास एक बेडरूम है, और सामने मेन एंट्रेंस है, सामने आप देख सकते हैं वॉलपेपर बहुत अच्छा किस्म का लगाया गया है, फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं, एंड ये इसका एक प्रॉपर व्यू बनता है। और अगर मैं आपको दूसरे गेट का व्यू दिखाऊं, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक्सेस है वो अपर पोर्शन की दी गई है, मतलब अगर आप चाहें तो एक पोर्शन इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस दोनों के सेपरेट है। ये आप देख सकते हैं स्टेप्स, ये आप देख सकते हैं ये एक्सेस है अपर पोर्शन की तरफ। मैं आपको पहले सेकेंड कार पोर्च दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, एज अ स्टोर रूम बना सकते हैं, इसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। और अब हम आ चुके हैं इसके सेकेंड कार पोर्च में, आपकी एक गाड़ी इजीली यहाँ पार्क की जा सकती है, दो गाड़ियाँ आपकी वहाँ पे पार्क की जा सकती हैं, तो इसकी जो अकोमोडेशन है वो बहुत अच्छी अकोमोडेशन है इस घर की। सो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने जो ग्राउंड पोर्शन है वो कम्प्लीटली विजिट कर लिया, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ ग्राउंड पोर्शन की, वो इस तरह से हैं कि हमने टू बेडरूम्स विजिट कर लिए, टू बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम, स्पेशियस टीवी लाउंज, ओपन किचन हमने विजिट कर लिया, एंड इस सब के अलावा हमने बैक पे लॉन्ड्री एरिया विज़िट किया है, और सेकंड कार पोर्च भी हमने प्रॉपरली विज़िट कर लिया। अभी मैं आप सबको एक दूसरे एंगल से एक व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आपको तसली से सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपर पोर्शन की तरफ, एक्सेस जो है वो यहाँ से दी गई है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने एक पोर्शन रेंट आउट करना है, तो आप इस डोर को क्लोज कर देंगे, तो जो टेनेंट है वो दूसरी साइड से गेट यूज़ करेंगे, और आप जो हैं वो ये एरिया यूज़ कर लेंगे। या अगर आपने अपर पोर्शन यूज़ करना है, तो आपकी एक्सेस उस तरफ से होगी, जो टेनेंट्स होंगे जो ग्राउंड पोर्शन में किराएदार होंगे वो दूसरी तरफ से एक्सेस ले लेंगे। सो हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है। मूव करते हैं अपर पोर्शन की तरफ, ये आप स्टेप्स व्यू कर लें। एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टेरेस दिखा देता हूँ, ये आ गया इसका टेरेस, एक टेरेस आपका इस एंड पे है और एक टेरेस आपके दूसरे एंड पे भी है। ये आप देख सकते हैं कि मेन रोड है, बाकी लोकेलिटी में आपको छत से दिखा दूंगा। ये एक्सेस दी गई है छत की तरफ, छत पे हमारे पास है सर्वेंट क्वार्टर, इसको भी हम विज़िट कर लेंगे। पहले हम विज़िट कर लेते हैं सेकंड पोर्शन को, और अब हम आ चुके हैं सेकंड टीवी लाउंज में। जैसा कि ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज काफ़ी स्पेशियस था, एज इट इज़ सेकंड टीवी लाउंज भी काफ़ी स्पेशियस है, और काफ़ी अच्छी और फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है, आप देख सकते हैं। सेकेंड पोर्शन में हमारे पास हैं थ्री बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, स्पेशियस टीवी लाउंज और ओपन किचन। दोनों किचन हमारे पास व्यूज़ आपने देखे होंगे, दोनों के दोनों ओपन किचन हैं, और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छी क्वालिटी के किचन हमारे पास अवेलेबल हैं। और मूव करते हैं हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और अब आ चुके हैं व्यूज़ हम इसके फर्स्ट बेडरूम में, अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम है। इसको भी बिल्कुल सिंपल रखा गया है, वाइट कलर का पेंट यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं इसका सीलिंग का डिज़ाइन, सीलिंग फैन, और ये इसका वेंटिलेशन विंडो रखी गई है, सामने लोकेलिटी बहुत अच्छी है इसकी। और अगर आपको मैं इस एंगल से दिखाऊं, तो इसका ये प्रॉपर व्यू बनता है, ये आप देख सकते हैं। एंड बिल्कुल हमारे बैक साइड पे इसकी ये वार्डरोब्स अवेलेबल हैं,
एंड बिल्कुल इसके राइट साइड पे है इसका अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। टाइल वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सो इस बेडरूम को विजिट करने के बाद अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज का एक प्रॉपर व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। सामने हमारे पास अमेरिकन डिज़ाइन स्टाइलिश किचन भी है, वो भी हम विज़िट कर लेते हैं। और अब इसके साथ अब मूव करते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स, ये इसका सेकेंड बेडरूम है, आई मीन टू से के अपर पोर्शन का सेकेंड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं। ये भी स्पेशियस बेडरूम है, इस बेडरूम में इन्होंने वॉलपेपर इस्तेमाल किया है। ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, ये टाइल वर्क है। और इस एंड पर अगर आप आते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसकी ये वार्डरोब्स, बस थोड़ी बहुत सफाई बाकी है, फिनिशिंग बाकी है, घर फुल रेडी है। जो माइनर टचेज़ हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपको दिए जाएंगे। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, इसमें टाइल वर्क देख लें, काफ़ी अच्छा टाइल वर्क किया गया है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको टेरेस का भी व्यू दिखा देता हूँ व्यूअर्स। ये इसका टेरेस आप देख सकते हैं, टैप्स इंस्टॉल्ड हैं, ये टाइल वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है। एंड जो मेन लोकेलिटी है वो छत से मैं आपको दिखा दूँगा, ये इसका व्यू बनता है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, और इससे पहले मैं आपको इस बेडरूम के एंगल से बाकायदा प्रॉपर एक व्यू दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। टीवी लाउंज जो हैं, दोनों टीवी लाउंज में वॉलपेपर काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के यूज़ किए गए हैं। इस टीवी लाउंज में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यूज़ किया गया है वॉलपेपर का, जो ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज था उसमें सेपरेट था। सो जो ही हम लेफ्ट टर्न करते हैं हमारे पास आ गया इसका लास्ट एंड फिफ्थ बेडरूम। ये स्पेशियस बेडरूम है, मास्टर साइज़ है, इसको बिल्कुल सिंपल रखा गया है। इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, सीलिंग फैन के साथ सिंपल पेंट यूज़ किया गया है। ये इसका टाइल वर्क है। एंड इस एंड पे इसकी जो है वार्डरोब्स अवेलेबल हैं, ये आप देख लें। एंड इसका जो वॉशरूम है, ये इसका अटैच वॉशरूम, इसका भी टाइल वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है। इन वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों चीज़ें रखी गई हैं। एंड इस रूम की जो वेंटिलेशन है उस पर्पज़ के लिए ये इन्होंने विंडो लगाई है। अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से प्रॉपर एक व्यू दिखा देता हूँ, आप इसको प्रॉपरली व्यू कर लें वंस अगेन। एंड जो ही हम ये लास्ट बेडरूम एग्जिट करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है इसका सेकेंड किचन। व्यूअर्स, दोनों जो किचन हैं उनके जो साइज़ है काफ़ी अच्छे साइज़ दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन की गई है, काफ़ी अच्छी जो फिटिंग लगाई गई हैं, और इसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन आप देख लें, सीलिंग फैन के साथ वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे ग्राउंड पोर्शन में एक बीच में सेटअप किया गया था, इसमें भी इस तरह का सेटअप बनाया गया है। एंड आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसको व्यू कर लें। एंड किचन एग्जिट करने के बाद अब आप किचन के एंगल से प्रॉपरली इसको व्यू कर लें। सो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मरला कॉर्नर बुलेवर्ड हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि 10 मरला हाउस से कॉर्नर हाउस से बुलेवर्ड हाउस है, डबल गेट विद डबल कार पोर्च, 5 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज अवेलेबल। और अब रिमेनिंग हमारे पास रह गई है छत। छत की जो एक्सेस है वो यहाँ से दी गई है, ये आप स्टेयर्स देख लें। मूव करते हैं अब छत की तरफ, और छत से मैं आपको प्रॉपर लोकेलिटी का व्यू दिखा देता हूँ। सो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। प्रॉपर मार्बल की फ्लोरिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी सफाई बाकी है अभी। इस तरफ हमारे पास है इसका सर्वेंट क्वार्टर, ग्राउंड पे मार्बल वर्क है, बाकी बिल्कुल सिंपल रखा गया है। एंड इसका जो वॉशरूम है वो इधर बनाया गया है, ये इसका वॉशरूम, इसमें भी छोटी मोटी फिटिंग्स रहती हैं, वो भी कंप्लीट की जाएंगी। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टैप्स इंस्टॉल किया गया है। इसका जो व्यू बनता है प्रॉपर, एक ये व्यू बनता है, ये आप प्रॉपरली व्यू कर लें। एंड यहाँ पे एक स्टोर रूम भी अवेलेबल है, अभी लॉक्ड है। एंड इस तरफ भी एक स्टोर रूम अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप एज आ स्टोर रूम यूज़ कर लें, या अपना एज आप पैटर्नेबल रख सकते हैं इधर, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। सो व्यूअर्स, बहरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी की लोकेशन है, अबू बकर ब्लॉक है, गैस बिजली पानी हर चीज़ अवेलेबल है। मूव करते हैं दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ, और आपके साथ मैं डिटेल्स एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मरला डिज़ाइनर हाउस का विजिट कम्प्लीट कर लिया। डिटेल्स कुछ इस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है, 10 मरला हाउस है, कॉर्नर एंड बुलेवर्ड, ये इसकी डबल कैटेगरी है। और इसमें 5 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, स्टोर रूम भी हैं, ड्राइंग रूम भी है। एंड अगर आप छत पे आते हैं तो छत पे भी हमारे पास है सेवन क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम, और छत पे भी स्टोर रूम अवेलेबल है। व्यूअर्स, इसकी लोकेलिटी ये है कि बहरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी अबू बकर ब्लॉक है, और गैस बिजली पानी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, और जो मेन मरकज़ है, मेन कमर्शल भी आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख इस वक्त की डिमांड की जा रही है, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप में से जिस किसी को भी घर पसंद आया है तो आपके स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और आपकी डायरेक्ट मालिकान से मीटिंग करवाई जाएगी, मालिकान से आपकी डील करवाई जाएगी।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहीं लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।